Hello everyone, our channel HP Competitions at the Rate All welcomes you all. Today we shall continue with the topic Mountain Peaks of Himachal Pradesh. Under this topic we shall discuss about the various peaks of every district. First of all, we shall discuss the political map of Himachal Pradesh. Himachal Pradesh ke political map ko discuss karte hue sabse pehle aapko ye jankari honi chahiye ki Himachal के जो 12 जिले हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. सबसे पहले बात करते हैं कि किन्नौर की. नंबर दो पे है लाहौल स्पीति, नंबर तीन पे कुल्लू, नंबर चार पे चंबा, नंबर पाँच पे कांगड़ा, नंबर छः पे शिमला, नंबर सात पे मंडी, नंबर आठ पे सिरमौर, नंबर नौ सोलन, नंबर दस बिलासपुर, नंबर ग्यारह ऊना, नंबर बारह हमीरपुर. यहाँ आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि किन्नौर है, किन्नौर की जो बाउंड्री है वो लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला के साथ लगती है. एक तरफ आपके पास जो है वो तिब्बत का पठार है. लाहौल स्पीति की जो बाउंड्री है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और किन्नौर के साथ लगती हैं. चंबा की जो बाउंड्री है कांगड़ा के साथ, लाहौल स्पीति के साथ लगती है और जम्मू कश्मीर के साथ लगती है. लाहौल स्पीति की जो बाउंड्री है वो लद्दाख का क्षेत्र है जो यूटी बना है उसके साथ लगती हुई बाउंड्री है यहाँ तक जो है. और इसके आगे लाहौल स्पीति की जो बाउंड्री है वो तिब्बत के साथ लगती हैं. इसी प्रकार आप ये देख सकते हैं कि कांगड़ा है, कांगड़ा की सबसे अधिक जिलों के साथ जो है वो बाउंड्री लगती है. ऊना के साथ लगती है, हमीरपुर के साथ लगती है, मंडी के साथ लगती है, कुल्लू के साथ लगती है, लाहौल स्पीति के साथ भी और चंबा के साथ लगती हुई. और इसके साथ साथ जो पंजाब का क्षेत्र है इसके साथ भी जो है वो चंबा की बाउंड्री लगती है. साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर ये ऐसे क्षेत्र हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफ़ी छोटे जिले रहे हैं. सोलन और सिरमौर की जो बाउंड्री है वो हरियाणा के साथ लगती हुई बाउंड्री है. शिमला और किन्नौर और इसके साथ साथ जो आपका सिरमौर का क्षेत्र है इसकी बाउंड्री जो है वो उत्तराखंड लगती है. ये जो महत्वपूर्ण बाउंड्री है ये मैंने आपको बताई, लेकिन इससे इसका ताल्लुक इस बात से है कि प्रत्येक जिले को जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है ये ऑर्डर आपको याद रखना होगा, क्योंकि इसी ऑर्डर में जो प्रत्येक जिले की सर्वोच्च चोटियां हैं उनकी हाइट हैं वो इसी ऑर्डर में आएगी. क्योंकि आपको कई बार प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि इन जिलों में दी गई जो चोटियां हैं या निम्नलिखित चोटियों को हाइट के अनुसार देखिए तो आपको ये याद होना चाहिए. तो नेक्स्ट जो हम इसमें अब महत्वपूर्ण आगे टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक ये हैं कि प्रत्येक जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है. ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस जिले की सर्वोच्च चोटी कौन सी है. सबसे पहले बात हम करते हैं किन्नौर की. किन्नौर की सर्वोच्च चोटी शिला है जिसकी हाइट 7026 मीटर है. और ये किन्नौर की ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है और जांसकर रेंज में स्थित है. दूसरी महत्वपूर्ण चोटी मानेरंग है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है. लाहौल स्पीति की मानेरंग सबसे ऊँची चोटी है, 6597 मीटर इसकी हाइट है. कुल्लू की डीवी बोकरी है, डीवी बोकरी की हाइट 6400 मीटर है. ये नेक्स्ट चोटी है पीर पंजाल. पीर पंजाल की जो है आपके पास 5972 मीटर इसकी हाइट है, 5972 मीटर पीर पंजाल की हाइट है. और यह है चंबा की सर्वोच्च चोटी है. अगली जो चोटी है वो हनुमान टिब्बा है, कांगड़ा की सर्वोच्च चोटी है, 5800 मीटर इसकी हाइट है. इसके साथ साथ जो चांशल छठे नंबर पर यहाँ पर आपको दिख रही हैं, 4520 मीटर इसकी हाइट है. और शिमला डिस्ट्रिक्ट की ये सर्वोच्च चोटी है. सातवीं नागरू नाग है जो कि मंडी के जिले में सर्वोच्च चोटी है और 4400 मीटर इसकी हाइट है. इसके पश्चात जो अगली महत्वपूर्ण चोटी है वो है चूड़धार. सिरमौर की सर्वोच्च चोटी है, 3647 मीटर इसकी हाइट है. माउंट कैरोल ये जो चोटी है ये सोलन की सर्वोच्च चोटी है, 2280 मीटर इसकी हाइट है. बहादुरपुर चोटी बिलासपुर जिले की सर्वोच्च चोटी है, 1900 मीटर इसकी हाइट है. भारवेन जो कि 11वें नंबर पर हैं, ऊना की सर्वोच्च चोटी है, 1200 मीटर इसकी हाइट है. और हमीरपुर जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी जो चोटी है वो यहाँ पर आपको देख रही हैं अवा देवी और इसकी हाइट है 1100 मीटर. तो ये महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं, क्रम करने हैं. आपकी सुविधा के लिए मैंने कुछ थोड़ा सा जो है ट्रिक्स यहाँ अपनाने की कोशिश की है. आप हो सकता है इसको एप्लीकेबल आपके लिए हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप इसको आजमा सकते हैं. मैंने किन्नौर का के और शिला का शी लिया है, लाहौल स्पीति का एल और मानेरंग का माने, कुल्लू का के यू, डीवी बकरी का डीबी, चंबा का सी, पीर पंजाल का पी,
कांगड़ा का के और हनुमान टिब्बा का हनु, शिमला का SHI और चांसल का चा, मंडी का M, नागरू का नाग, सिरमौर का SI और सर्वोच्च चोटी चूड़धार का चूड़, सोलन का सो SO और माउंट कैरोल का माउंट, बिलासपुर का B और बहादुरपुर जो चोटी है उसका बहादुर, ऊना का U और सर्वोच्च चोटी भारवेन का भार, हमीरपुर का H, सर्वोच्च चोटी महादेवी का वहा लिया है। अब ये सब चीज़ें आपके समक्ष जो लिखी गई हैं, इसको एक ट्रिक्स के रूप में याद रखने के लिए एक आप एक्रोनिम बना सकते हैं, जिससे जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया है KC, एलमाने, KUDB, CPP, के हनु, शीचा, एम नाग, SU चूड़, SO माऊ, B वहा, U भार, H वहा, अर्थात इससे आप बड़ी सरलता से याद रख सकते हैं। लेकिन आपको और अधिक कंक्रीट जानकारी देने के लिए आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ताकि आपको बड़ी सरलता से क्रमानुसार इसको याद रखा जा सके। यहाँ आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने दी गई हाइट को जो कि मीटर में दी हुई है इसको आपने फीट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा फार्मूला जो है आपने याद रखना है। और वो फार्मूला क्या है? फार्मूला है एक मीटर, जिसको आप कहते हैं एक मीटर इज इक्वल टू 3.28 फिट, इसको आपने याद रखना है। और मीटर में दी गई हाइट जो है उसको आपने कन्वर्ट करना है इसको मल्टीप्लाई करके, यानी अगर आपके पास हाइट जैसे शीला की हाइट है 7,026 मीटर है, इसको अगर फिट में कन्वर्ट करना है तो 3.28 मीटर से इसको मल्टीप्लाई करके 23,046 फिट जो है इसकी हाइट निकलती है। इसी तरह से मानेरंग की 6,597 मीटर हैं और इसको फिट में कन्वर्ट करना है तो 21,639 फिट आएगी। इसी तरह से डीवी बोखरी की 6,400 मीटर है, फिट में कन्वर्ट करना है तो 20,992 फिट आएगी। पीर पंजाल की 5,972 है, इसको मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 3.28 फिट से तो इसकी हाइट 19,889 फिट आती है। हनुमान टिब्बा की है 5,860 मीटर, इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो 19,221 फुट आती है। चांचल की 4,520 मीटर है चांचल की हाइट, इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो 14,826 फुट जो है वो इसकी बनती है। 4,400 मीटर हाइट है नागरू की और इसको अगर आप फिट में कन्वर्ट करते हैं तो 14,432 फिट होती है। इस तरह से चूड़धार की जो हाइट है वो 3,647 मीटर है, 3.28 मीटर से मल्टीप्लाई करके इसको 11,963 फिट जो है इसकी हाइट बनती है। माउंट कैरोल की 2,280 मीटर है, इसको अगर फिट में कन्वर्ट किया जाता है तो 7,478 फिट बनती है। बहादुरपुर की है 1,980 मीटर है, इसको फुट में कन्वर्ट करके आपके पास हाइट आती है 6,495 फिट। इसी तरह से भारवेन की 1,200 मीटर है, इसको आप कन्वर्ट करते हैं तो 3,936 मीटर इसकी हाइट आती है। वा देवी की हाइट 1,100 मीटर है, इसको फुट में कन्वर्ट करके 3,608 फुट जो है वो इसकी हाइट आती है। लेकिन इसके साथ साथ इसको किस प्रकार आपने क्रम वाइज याद रखना है ये एक बड़ी मुश्किल है, तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए और आपकी सुविधा के लिए एक छोटा सा एक्रोनिम मैंने इस पे बनाया है। अगर आप चाहें तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप इसको अधिक लंबे समय तक एक एक्रोनिम की तरह याद रख सकते हैं। जैसे क्रमानुसार अगर आपके पास 4 चोटियाँ दी हैं, उन चोटियों को आपने क्रम हाइट के अनुसार लिखना है, तो आप कैसे लिख सकते हैं उसको बहुत आसानी से आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे शी माने डीबी, पीर हनुचा नागरू चूड़, माँ बा भारवेन अवा। शी माने डीबी, पीर हनुचा नागरू चूड़, माँ बा भारवेन अवा, अर्थात इसको आप इस तरीके से समझिए कि सबसे ऊंची जो चोटी है शी शीला, शीला के पश्चात मानेरंग है, मानेरंग के बाद डीबी है बोकरी है, डीबी बोकरी के बाद पीर पंजाल है, इसके बाद हनुमान टिब्बा है, उसके बाद चांचल है, मंडी का नागरू है और सिरमौर की चूड़धार है। इसके अतिरिक्त माउंट कैरोल सोलन की हैं, बहादुरपुर बिलासपुर की हैं, भारवेन जो हैं वो आपके पास ऊना की हैं और अवा देवी हमीरपुर की चोटी हैं। इसको क्रमानुसार आप इस तरह से याद रख सकते। अगला जो वक्तव्य रहेगा वह है प्रदेश की प्रमुख पर्वत चोटियाँ 2। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को अटैम्प्ट करने के लिए दिए गए लिंक को आप क्लिक करें और हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए इसे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम और अधिक उत्साह से आपको
अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी उपलब्ध करा सकें। थैंक यू।